Hi guys, welcome back to Taste Quest Recipes. So our today's recipe is Malai Paneer Tikka, which is basically a starter recipe. तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और यहाँ जो मैंने बनाया है आई हैवन्ट यूज्ड एनी ग्रिलर और ओवन, मैंने डायरेक्टली गैस पे इसको ग्रिल किया है. सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो सबसे पहले हम एक मैरिनेशन तैयार करेंगे पनीर के लिए, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना हंग कर्ड, मीन्स मस्का दही, और 2 टेबलस्पून मैंने काजू पेस्ट ली है, और 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई या फिर फ्रेश क्रीम ले सकते हो आप. नाउ विल ऐड ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़ अराउंड 2 टेबलस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, कार्डमम पाउडर 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून जितना. फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और रोस्टेड बेसन का आटा 2 टेबलस्पून, और ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना. नाउ वी विल मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल, हाथ से इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा काजू पेस्ट, मलाई और दही मस्का अच्छे से मिक्स हो जाए. गाइज, इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लीव अ लाइक एंड विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम. एक छोटा सा कैप्सिकम मैंने स्क्वायर्स में काट लिया है, आधा प्याज मैंने स्क्वायर्स में काट लिया है, और इसमें डालेंगे हम फ्रेश पनीर 200 ग्राम्स, जिसको मैंने स्क्वायर्स में काट लिया है. अभी आप इसमें चाहे तो टमाटर भी स्क्वायर्स करके डाल सकते हैं, रेड या येलो कैप्सिकम, विच एवर वेजिटेबल यू लाइक यू कैन ऐड. सो नाउ विल कोट ऑल द वेजिटेबल्स विद द मैरिनेशन वेरी वेल. अच्छे से एक एक को ऐसे उसके ऊपर मैरिनेशन लगा के इसको कोट करेंगे ताकि सारा स्वाद अंदर तक चला जाए. सो ये सारा हमारा अच्छे से कोट हो गया है. नाउ विल मैरिनेट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 hours. विल कीप इन द रेफ्रिजरेटर एंड लेट इट सिट फॉर 1 to 2 hours. तो अभी हमारे 1-2 घंटे हो गए मैरिनेट होते हुए पनीर को, अभी हम इसको स्क्यूअर स्टिक्स में लगाएंगे. तो यहाँ पे ऐसे 2 स्क्यूअर स्टिक्स मिलते हैं, एक स्टील वाला एंड द अदर इज़ वुडन. सो इफ़ यू आर यूजिंग वुडन स्क्यूअर स्टिक्स तो उसको थोड़ा पानी में भिगो के रखना 1/2 घंटा, फिर यूज़ करना. तो अभी मैं ये वुडन स्क्यूअर स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ. तो विल लाइन इट अप विद द कैप्सिकम, पनीर, और उसके बाद फिर अनियन लगाएंगे. ऐसे ही विल रिपीट 2 to 3 times जब तक हमारे स्क्यूअर स्टिक्स ऊपर तक भर नहीं जाते. अभी मैं इसको है ना डायरेक्टली गैस के ऊपर ग्रिल करने वाली हूँ, बट यू कैन यूज़ ग्रिलर इफ़ यू हैव और ओवन ऑल्सो. तो ये हमारी स्क्यू स्टिक्स रेडी हो गई हैं, ऐसे ही बाकी सारे हम स्क्यू कर देंगे पनीर और वेजीज. इसको डायरेक्टली गैस के ऊपर करेंगे तो अच्छा चार्ड और स्मोकी टेस्ट आएगा इसमें.
तो हमारा ये मैरिनेटेड पनीर अच्छे से स्क्यू होकर रेडी है। सो नाउ लेट्स कुक इट। तो मैंने ऐसे स्टैंड रखा है गैस के ऊपर, जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसको हम डायरेक्टली गैस के ऊपर ही इसको चार करेंगे। तो मेक श्योर यू रोटेट सो दैट इट्स इवनली चार्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ये पनीर कैप्सिकम अनियन को इतना ज़्यादा कुक करने में टाइम भी नहीं लगता और ये थोड़ा क्रंची ही अच्छा लगता है। ये हमारा मलाई पनीर टिक्का अच्छे से कुक हो गया है, अच्छे से सब तरफ से इसको ऐसे स्मोक के इफेक्ट देने के लिए इसको अच्छे से रोटेट करके कुक करेंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। गाइस डू ट्राई दिस एट होम, इट टेस्ट डिलीशियस और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनाने में। सो लेट्स सर्व इट। तो मैंने यहाँ पे मिंट चटनी और लच्छा प्याज के साथ सर्व किया है। तो सम लेमन वेजेस। सो आर मलाई पनीर टिक्का आर रेडी रेस्टोरेंट स्टाइल। डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम, इट्स वेरी इजी, वेरी टेस्टी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही बनता है। और कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव ज़रूर शेयर करना। सो आई होप यू गाइज लाइक माई टूडेज रेसिपी एंड इफ यू डिड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अभी हम एक खा के देखते हैं। सो मलाई पनीर टिक्का इज सॉफ्ट एंड डिलीशियस टू। सो आई होप यू गाइज लाइक माई टूडेज रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।